नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के MIG पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों ने राहगीर पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। दो नाबालिग बदमाश फिलहाल फरार हैं। MIG पुलिस को 3 मई को फरियादी जितेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि शाम को जब वो सिलाई का काम करके घर लौट रहा था, तभी अमर विलास होटल के समीप खड़ा था तो दो बाइक पर चार युवक वहां पहुंचे और विवाद करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने फरियादी पर चाकू से हमला कर दिया, मोबाइल लूट लिया था। पुलिस इस मामले में बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज भी खंगाले हैं, जिसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कि लूट करने वाले दो बदमाश रोबोट चौराहे पर हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने अपना नाम आदित्य और भूपेंद्र बताया। आरोपियों से लूटा हुआ मोबाइल, मोटरसाइकिल व चाकू जब्त किए हैं। घटना में शामिल दो नाबालिग फरार हैं। थाना MIG के अंतर्गत ये घटना 3 अप्रैल की है, 3 मई की है, जब अमर विलास के जो पास में रोड जो अंदर कस्बा की तरफ जाता है, वहाँ एक फरियादी पैदल जा रहा था। उसमें चार लड़के, जिसमें दो बालिग थे दो नाबालिग थे, उन्होंने कोई आपस में बातचीत हुई, बातचीत में भी उसको चाकू मारा और उसका मोबाइल छीन ले गए। इस पे आधार पर पुलिस ने इसमें विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें सभी जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है। जो छीना गया मोबाइल है उसको बरामद किया गया है। इसमें दो बच्चे नाबालिग भी हैं, सभी आरोपी कृष्णबाग के रहने वाले हैं। इन सभी आरोपियों से जो बातचीत की गई है, इसमें किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किंतु ये कि नशा इन्होंने अभी हाल में स्टार्ट किया है, इस तरह की बातचीत आई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।